हे, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का वीडियो है ये डर्मा शाइन का, प्योर वाइट ब्राइड्स एंड प्योरीफाई टू ब्रिंग आउट योर इनर ग्लो। बेसिकली ये है एक स्क्रब, लेकिन ये फोमिंग स्क्रब है जो बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है। मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है, इतनी अफोर्डेबल है, अच्छी स्क्रब। मतलब इसके जो वर्कल्स होते हैं वो इतने सॉफ्ट और इतने टाइनी होते हैं ना, इतने अच्छे से सारी मेकअप और ऑयल डर्ट सब इतना अच्छे से रिमूव करते हैं कि आपको बिलीव नहीं होगा आपकी स्किन इतनी स्मूथ हो जाती है। और एक्नी जो है वो मेकअप की वजह से जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो पूरा जो मेकअप है वो उतर जाता है, निकल जाता है, तो फिर एक्नी भी नहीं होती। बहुत ही ज़बरदस्त है। इसकी फ्रेग्रेंस की बात करूँ वो भी इतना माइल्ड, इतना लाइट, इतना अच्छा है ना, यू गोना लव दिस प्रोडक्ट। बहुत ज़बरदस्त है। स्क्रब जो है आपको हफ्ते में एक दफ़ा तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि डेड स्किन सेल्स होते हैं ना वो रिमूव हो जाते हैं, और अगर अच्छा स्क्रब हो तो बहुत ही अच्छी बात है। सो दिस इज़ वन ऑफ अ रियली गुड स्क्रब। एक्नी नहीं देती, बहुत सारी ऐसी स्क्रब्स होती हैं जो एक्नी देती हैं। और एक और चीज़ यहाँ मैं मेंशन करूँगी वो ये है कि कभी भी आप एक्टिव एक्नी पे ना स्क्रब नहीं लगाएं। एक्टिव एक्नी पे अगर आपने स्क्रब लगाया ना तो बहुत बड़ी मुसीबत अपने लिए आप खड़ा करेंगी, क्योंकि जो दाने दाने होते हैं जिनमें पानी होता है वो स्क्रब की वजह से फट भी सकती है, और उसका पानी दूसरी जगह स्किन पे लगेगा, फिर वहाँ पे और पिंपल होंगे। तो ये कभी नहीं करना। लेकिन आपकी एक्नी होके ख़त्म हो गई है, एक्टिव एक्नी नहीं है, तो फिर आप बेशक जो है स्क्रब यूज़ कर सकते हो, पर कभी भी रेड या एक्टिव एक्नी पे स्क्रब नहीं करना। दिस इज़ अ रियली बिग पॉइंट, नेवर यूज़ ऑन योर एक्नी, एक्टिव एक्नी पे स्क्रब, ठीक है। डर्मा शाइन वी ऑल नो बहुत ही अच्छा सा ब्रांड है, इनके सारे जो है प्रोडक्ट्स बहुत ज़बरदस्त होते हैं। पहले भी मैं इनका भी रिव्यू कर चुकी हूँ। पेडिक्योर का जो है ब्लीचिंग मास्क ज़बरदस्त था, ये भी मैं काफ़ी टाइम से यूज़ करती थी, मैंने दोनों साथ लिए थे, तो मैंने इसको भी काफ़ी यूज़ किया और ये भी बहुत ज़बरदस्त है। इसकी फ्रेग्रेंस वगैरह भी अच्छी है, माइल्ड सी, लाइट सी, तो मैं आपको ये ज़रूर रिकमेंड करूँगी। बाकी मैं इसकी टेक्स्चर जो है आपको दिखा देती हूँ। आप देख सकते हो, एक सेकेंड इसको बंद कर दें, ये देखें कैन यू सी कितने छोटे मर्कल्स हैं इसके, देख सकती हैं। और ये जो है स्क्रब फोम है, ठीक है, जैसे आप स्क्रब करेंगे ना एक फोम बन जाएगा, तो ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी। इसके बारे में सी मैं जैसे कर रही हूँ ना, मुझे वैसे वैसे फोम बनता जा रहा है। सॉरी, फोकस करें थोड़ा, हाँ देख सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी है, और इतनी छोटी है, इसके दाने इतने छोटे, इतने टाइनी, आपको फील भी बहुत मुश्किल से होंगे। बाकी इसकी फ्रेग्रेंस की बात करें वो भी बहुत लाइट है, बहुत ही अच्छी, क्लासी जो होती है क्लासी कोई स्किन केयर या कोई आप मेडिकेटेड यूज़ करोगे ना उन जैसी है। बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं, आपको तंग नहीं करेगी। और जिन चीज़ों में स्किन केयर में, सॉरी मेरा गला थोड़ा ख़राब है, जिस स्किन केयर में फ्रेग्रेंस जितना कम होगा उतनी वो अच्छी प्रोडक्ट मानी जाती है, तो ये मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा। फेस और बॉडी के लिए ज़रूर ट्राई करना, मेरी तरफ से 100% ये रिकमेंडेड है, और मैं इसको 10 out of 10 ही दूंगी। स्किन बहुत ब्राइट हो जाती है इसको यूज़ करने के बाद। मैंने इतना इतना निकाला, मैं वेस्ट नहीं करूँगी, मैं अपना पूरा हाथ जो स्क्रब कर लूँगी इससे। तो वीक में एक दफ़ा तो लाजमी इसको यूज़ करना, ठीक है ना, डेड स्किन के लिए। तो आई होप आपके लिए ये जो वीडियो है वो हेल्पफुल रही हो, और इसका रिव्यू जो है आपको अच्छा लगा हो। ये था आज का रिव्यू, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। थैंक यू।